हेलो आईसीआर एस्पिरेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टडी इन तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जब भी एक किसी नए बच्चे को एक नई कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। उसको उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का फोटो इंटरनेट पे आराम से मिल जाता है, लेकिन उसकी जो अंदर की जानकारी है कि वहाँ की फ़ीस क्या लग रही है, रैगिंग का क्या रूल है, और मेडिकल सुविधा है कि नहीं है, हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है, वो सब बातें उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ही बता सकता है। तो इसी पॉइंट को लेकर मैं एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में अपन डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का पूरा श्रेय अनिल भैया को जाता है, जिन्होंने हमें इस यूनिवर्सिटी की जानकारी प्रोवाइड करवाई है। ये यहाँ पे सेकंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। मैं आपको इनका इंस्टाग्राम भी दूंगा, तो आपको अगर ये कैंपस अलॉट होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए सीधा सुनते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी अनिल भैया से। हाँ तो सर, अनिल जी, आपको इतने दिन हो गए, कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका? डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र। तो सर, आपको इतने दिन हो गए, अब आप थर्ड सेमेस्टर पे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पे, कैसा माहौल है वहाँ का? एक पढ़ाई में बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। अच्छा अच्छा और वातावरण सर, वातावरण कैसा रहता है वहाँ का? एकदम खुला वातावरण है यहाँ। खुला वातावरण है। तो सर, फीस के बारे में अपन बात करें तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी लगी थी? फर्स्ट की 20,000 लगी थी। 20,000 लगी थी। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हॉस्टल अलॉट हुआ, तो हॉस्टल का क्या रूल था सर? हॉस्टल की फीस 6,000 थी और सभी फैसिलिटी उपलब्ध है। अच्छा, 6,000 फीस कितने दिनों की है सर? ये सेमेस्टर के हिसाब से है। अच्छा, एक सेमेस्टर का 6,000 रुपए। हाँ हाँ। अच्छा, हॉस्टल फीस। तो सर, खाने का बिल आपको कितने का आता है अलग से? 1900 रुपए का। 1900 रुपए का महीने का? हाँ। अच्छा अच्छा, खाना कैसा रहता है सर? संडे को नॉन वेज मिलता है और बाकी टाइम वेज ही चलता है। वेज चलता है। तो वेज में अधिकतर खाना क्या मिलता है, मतलब चावल मिलते हैं, चपाती मिलते हैं, क्या मिलता है? हाँ, दोनों, चावल, चपाती और सभी। अच्छा अच्छा। और सर, पढ़ाई का माहौल कैसा है वहाँ पे? बच्चे कितने डेडिकेटेड हैं, और कौन कौन ऐसे आपके साथ के बच्चे ऐसे भी है क्या जो कोई यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दियो किसी ने? हाँ, 5-7 लोग कर रहे हैं यूपीएससी की, वो फॉर्म जाते हैं रोज। अच्छा अच्छा। तो सर, आपके और आप बाकी के लोग WRO SRF सभी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है सर, कितने बच्चे हैं आप? 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं। तो 150 बच्चों का एक ही क्लास होता है, बैच वाइज डिवाइड कर रखे हैं? नहीं, प्रैक्टिकल बैच वाइज होते हैं और क्लास एक साथ होती है। तो सर, आपको इतने दिन हो गए इस यूनिवर्सिटी में, आपके हिसाब से कोई नेगेटिव पॉइंट आपने या नोटिस किया हो कि ये बात तो ठीक नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, सभी बढ़िया हैं। आईसीआर की ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, आईसीआर की ज्यादा सुनते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और सर, रैगिंग का क्या सीन है वहाँ पे? रैगिंग होती है या क्या? नहीं, रैगिंग का कोई माहौल नहीं है यहाँ का, कुछ भी माहौल नहीं है। इंट्रो कुछ भी नहीं होता? नॉर्मल इंट्रो होता है, पर रैगिंग नहीं होती। अच्छा, रैगिंग नहीं होती। हाँ। तो अधिकतर अपन ने वैसे पूरी जानकारी कवर कर ली है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो आपके मन में कि आप बताना चाहते हो? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी माहौल सभी सही है। अच्छा, तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जानकारी प्रोवाइड करवाई। ये जानकारी आने वाले समय में जो आपके जूनियर आ रहे हैं उनके बहुत काम आने वाली है। तो मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो अपने यूट्यूब वीडियो। हाँ, तो सर धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हमने अधिकतर बातें इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कवर कर ली है, फिर भी आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप अनिल भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में बताइए, हम उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपने हमारा यह पूरा वीडियो देखा, आपकी हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।